हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आप लोगों ने मेरे लास्ट व्लॉग व्लॉग नंबर 194 में देखा कि मैंने किस तरीके से रात में छत के ऊपर टेंट लगाकर मैं सोया और पूरी रात मैंने फ्रेश एयर एंजॉय करी। और उसी फ्रेश एयर का रिजल्ट था कि मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गया। सो अब आगे का पार्ट इस व्लॉग में। गाइस देखो, ये होता है डिफरेंस। घर के अंदर इतना भट्टी जैसे गर्म एकदम, लाइक पंखा और कूलर चलाना पड़ेगा या एसी, और जस्ट घर के बाहर लाइक छत पे कंबल ओढ़ना पड़ रहा था। तो इतना डिफरेंस होता है फ्रेश एयर का। सी तो चलो गाइस, अभी फटाफट चाय बनाते हैं, शॉवर लेते हैं और फिर बढ़िया बाहर घूमने चलेंगे। लेट्स गो। वैसे मेरा तो मन कर रहा था कि यार मैं सो जाऊं, बिकॉज आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी नींद कंप्लीट नहीं हुई, बट ठीक है, इट्स ओके। मैं रुक गया था पोहा लेने और देखो कितनी कूल जीप है मेरे और ये है विंटेज जीप। हेलो बाय।
ऐसा होता है कि वो अपने को टाइमिंग भी मालूम होता है कि और टाइम पे अगर पेरेंट्स का फोन आ रहा है तो मतलब कुछ लोचा जरूर है। पापा कहते हैं अपनी नीति बच गए, भाई को पकड़ लिया, ठीक है फिर मेरा भाई समझ पाए सामने वाला यार। अरे गाज ये तो रखा था चाची निकले होंगे तो पापा लोग तो उठ गए, पापा लोग जीते यार गाइस खूब सारी गप्पे हो, नो टाइम टू गो होम। नहीं फ्रेंड ने दी, हियर कम्स द केनी। क्या फेयरवेल है तेरा आज? देना है, ठीक लग रहा हूँ, दिखाते जरा लाइट में तो। हाँ ठीक लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। मैं पार्क से आ चुका था और इस वक्त मैं सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा हूँ जो कि है घर जमाना, और उन सब में भी सबका बाप है पेपर जमाना। चलो गाइस ये करके दिखाते हैं हम, लेट्स डू इट। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी में तुम गुहार दो। आन बान शान या जीत का प्रमाण, तुम आज धनुष बाण पे उतार दो। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Hello guys, मेरे नए एपिसोड विचित्र किंतु सत्य में आपका स्वागत है। और अब मैं आपको दिखाने जाऊंगा कि इस टेबल पर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, तो चलिए देखते हैं, आइए खुदाई करते हैं कि यहाँ पे हमें पुराने टाइम का क्या क्या मिलेगा। ये पैनकेक का डब्बा, इसमें चॉकलेट अभी भी है। ये पुराने एयरफोन, वाह, तवा नो फ्राइंग पैन, फ्राइंग पैन। एक बॉटल, उसमें स्ट्रॉ भी है। एक और बॉटल, चश्मा, पानी की बोतल, बेल्ट और एक बाल्टी। और ये इसको क्या बोलते हैं, इसको जो भी बोलते हैं वही। सबसे पहले सब्जियां जाएंगी किचन में। ज़ूटा, अब ये खाली बोतल्स जाएंगी। ज़ूटा, ओ यहाँ पे एक पेपर और पाया गया। ज़ूटा, ये पेन जाएगा किचन में। ज़ूटा, बच गया, टूट जाता। ज़ू, कहाँ कहाँ लैंडिंग की जगह नहीं मिल रही, मिल गई। बैग कहाँ जाएगा? ज़ूटा, ग्लास। ज़ूटा, ज़ूटा, और ये गंदे से ईयरफोन। ज़ूटा, आई डोंट नो इनकी जगह क्यों बनी हुई है। चलो इनके लिए नया एयरपोर्ट ढूंढते हैं। दिस वन था, और ये मिसाइल लॉन्च होगा सीधा फ्रिज में। ये बाल्टी बम होगा लैंड। यहां पे ब्लास्ट करा देते हैं, बड़ा
अरे यार कॉर्नर में गंदा लग रहा है। ओफ ये बैग्स देखो भाई, खोई हुई चीज मिली। जाओ, ओ ब्लास्टिंग फेल हो रही है, बाहर आ रहा है, ऐसे ही रख दो। ये यहाँ पे क्यों रखा है, इसका राज आज तक नहीं खुला। उफ, फिर से एक और पेपर, इट्स अ पेपर हाउस। इसको रख देते हैं, कभी ना कभी काम आ जाएगा ये कपड़ा। ओह इलेक्ट्रिक सामान में जा रहा है। चलो गाइस काफ़ी हद तक ठीक हो गया, अब ज़्यादा नहीं करते। ये पेन वाली मिसाइल गई यहाँ पे। ओह गाइस नहीं, मत देखो भूल जाओ। ये न्यू वाली भी जाएगी यहाँ पर। तो गाइस काम फाइनली कंप्लीट हुआ, और इस मुश्किल घड़ी में मेरा साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। ब्लेस यू ऑल।